एनीपी थाना पुलिस ने नर्सिंग मेडिकल की डिग्री दिलाने वाले और सोने के आभूषण सहित 1.5 लाख रुपए हड़पने सहित पीड़िता से छेड़छाड़ के मामले में आरोपी असलम को गिरफ्तार किया है। थाने के सब इंस्पेक्टर रमाशंकर ने बताया कि पीड़िता ने थाने पर आकर मामला दर्ज करवाया कि आरोपी असलम और पीड़िता की जान पहचान एक निजी अस्पताल में कार्य करने के दौरान हुई थी, जिस पर आरोपी असलम ने पीड़िता से कहा कि नर्सिंग मेडिकल की डिग्री दिला दूंगा, जिस पर आरोपी ने पीड़िता से सोने के आभूषण और 1.5 लाख रुपए हड़प लिए। जब पीड़िता ने उसकी मेडिकल की डिग्री नहीं बनवाई तो पीड़िता ने आरोपी से पैसे व आभूषण मांगे। आरोपी ने गलत इरादे से पीड़िता को अपने कमरे पर बुलाया और उसके साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश की, जिस पर पीड़िता ने आरोपी असलम के खिलाफ थाने पर मामला दर्ज करवाया, जिस पर पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी असलम निवासी शिव कॉलोनी को उसके ससुराल ताबड़ू से गिरफ्तार किया है। आरोपी मामला दर्ज होने के बाद पैसे और आभूषण लेकर मौके से फरार हो गया था। पुलिस ने पूछताछ के लिए आरोपी को 2 दिन का पीसी रिमांड लिया है, जिसको सोमवार को न्यायालय में पेश किया जाएगा। ये एक पीड़िता ने एक मुकदमा दर्ज करवाया था कि एक असलम नाम के लड़के ने उससे कुछ पैसे लिए, उसको कोई एक नर्सिंग का सर्टिफिकेट दिलवाना चाह रहा था और उससे कुछ पैसे कुछ गहने लिए। उसके बाद उसने नहीं दे पाया वो, तो उसने पैसे वापस मांगे तो इसने उसको कहा कि ठीक है मेरे कमरे पे आके ले जाना। फिर ये कमरे पे गई तो उसके साथ उसने बदतमीजी करने की कोशिश करी, फिर ये बाहर भाग गई और इसके बाद उसने कई बार पैसे वैसे भी मांगे और उसको मिले नहीं, तो उसी पर उसने मुकदमा दर्ज करवाया था। तो उस मुकदमे में हमने असलम को कल गिरफ्तार किया था, आज कोर्ट में पेश किया है। कहाँ का रहने वाला है सर ये असलम? है तो अलवर का मूल रूप से, लेकिन अभी ताउड़ू रहता था, हमने ताउड़ू से उसको गिरफ्तार किया है। काफी तलाश के बाद इसको गिरफ्तार किया है। तो किन धाराओं में मामला दर्ज किया है आपने? ये 420, 406, 376, 511, तो अभी उसमें तफ्तीश जारी है, जैसा भी होगा वो आगे कानून का।